एक बॉडी है इसी मॉडल की, इसका ऊपर का कवर और ये स्पेयर पार्ट्स। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा इसमें कैसे रेडी होता है। सबसे पहले ये दो बॉडी कनेक्टर हैं, ये दो बॉडी कनेक्टर मैं यहाँ साइड में लगाऊंगा, उसके बाद आगे का मैं प्रोसेस दिखाता हूँ उसे लगाने के बाद। ये बॉडी कनेक्टर्स मैंने इसके अंदर लगा दिए हैं। अब मैं इसके अंदर क्लैंप है मेरे पास, ये क्लैंप है, सी क्लैंप, सी शेप में देख रहे हैं, देखिए ये यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ये चारों सी क्लैंप मैं इसमें अब लगाने जा रहा हूँ। ये देखिए मैंने दो क्लैंप इसमें लगा लिए हैं, अभी दो मैं और यहाँ लगाने वाला हूँ। ये चारों क्लैंप मैंने इसमें लगा दिए हैं, अब मैं इसके बाद यहाँ पर इसकी पंप की माउंटिंग करने जा रहा हूँ। जो होल्स दिए हैं यहाँ मैं पंप की फिटिंग कर दूँगा, अब मैं इसमें पंप लगाने जा रहा हूँ। पंप है मेरे पास 100 GPD का, Xelco कंपनी का डायफाग्राम बूस्टर पंप, बहुत ही अच्छा 24 वोल्ट DC का, 120 PSI तक ये प्रेशर देता है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस पंप की, मैं इसको इसमें लगाने जा रहा हूँ। पंप की फिटिंग से पहले मैं यहाँ पे इसके एल्बो लगा देता हूँ पंप के, तो ये एल्बो लगाए जाते हैं इसमें, ये वाली एल्बो इसमें लगाई जाएगी। और ये टेफ्लॉन मैं यूज़ कर रहा हूँ, एपिक्स की काफ़ी अच्छी क्वालिटी की टेफ्लॉन है। ये टेफ्लॉन पहले इसमें थ्रेड में लपेट के देन मैं इसको पंप में यहाँ पे कस देता हूँ। ये देखिए मैंने इसमें एल्बो लगा दिए हैं दोनों मैंने। अब इसके अंदर देखिए पंप लगा दिया डायफ्राम, डायफ्राम का पंप लगने के बाद अब इसके यहाँ पर सॉल्वेनेट वॉल का कनेक्शन दिया जाएगा। यहाँ यूवी चोक आएगा, इस पोर्शन पे SMPS आएगा, यहाँ सेडिमेंट, कार्बन, मेम्ब्रेन, UF और सारी चीज़ें आने के बाद ये कंप्लीट असेंबली होगी। तो आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप अपने सॉल्वेनेट वॉल की तरफ बढ़ते हैं। इसके अंदर मैं ये सॉल्वेनेट वॉल यूज़ करने जा रहा हूँ जो हीरो कंपनी की है और ओरिफाइस 5 mm प्योर वाटर 120 PSI अच्छी क्वालिटी की हीरो SV है ये। इसको हम यूज़ करेंगे और इसको यहाँ लगाया जाएगा, तो आइए इसको लगाते हैं। ये इसमें हमने देखिए अब SV भी फिट कर दी है। अब SV फिट के बाद हम इसमें UV चोक लगाएंगे और एक SMPS लगाएंगे। करने वाला हूँ DC का UV चोक लगाऊंगा जो एक जेनरिक ब्रांड का है, बट क्वालिटी बहुत ही सुपीरियर है इसकी, ठीक है। अब मैं UV चोक को लगाऊंगा, DC में है ये। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने UV चोक यहाँ लगा दिया है और इसको मैंने यहाँ पे 2-way टेप की हेल्प से लगाया था और यहाँ पेस्ट कर दिया है। अब बारी आती है SMPS लगाने की। SMPS भी मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे Xelco कंपनी का, जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, 24 वोल्ट का है, 1.5 एम्पियर का है और बहुत अच्छी क्वालिटी। यहाँ पे इसमें इंडिकेटर दिया हुआ है ऑन और ऑफ के लिए चाहिए। इसको अब हम लगाने जा रहे हैं यहाँ पे, इसको अब हम फिट करेंगे, आइए फिट करते हैं। ये यहाँ पे मैंने एक कट किया है अभी इसको तार की हेल्प से, ताकि मैं यहाँ से SMPS की वायरिंग को निकाल सकूँ। तो आइए अब इसमें SMPS को इसको फिट करते हैं। ये मैंने टाई ले ली है, इसकी हेल्प से मैं यहाँ SMPS को बांध दूंगा नीचे से। तो आइए इसको टाई लगाते हैं। ये मैंने टाई लगा दी है और ये एक्स्ट्रा पोर्शन को मैं कट कर देता हूँ ब्लेड की हेल्प से, इसे पाइप कटर बोलते हैं और ये हम RO में यूज़ करते हैं पाइप वगैरह कट करने के लिए। पाइप कटर की हेल्प से इसको कट कर दिया है। अब हमारा SMPS, अब हम देखें तो हमारी बॉडी में पहला स्टेप पे हमने बॉडी कनेक्टर लगाए, दूसरे स्टेप पे पंप लगाया, तीसरे स्टेप पे हमने इसे SV लगाया, चौथे स्टेप पे UV चोक लगाया, पांचवे स्टेप पे हमने SMPS लगाया। अब हमारी 5 चीज़ें इसमें मेनली लग चुकी हैं, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स भी आ गए चारों और बॉडी कनेक्टर भी आ गए। अब मैं इसके अंदर एक यहाँ पाइप लगा देता हूँ, जो पाइप सीधा मेरा SV से होकर जाएगा, तो मैं इस पाइप को भी लगा देता हूँ, अदरवाइज़ फ़िल्टर लगने के बाद वो पाइप लगाने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो आइए इस पाइप को लगा देते हैं। ये SV के आउट से मैंने एक पाइप लिया है,
और ये पंप के इस लेंथ तक मैं इसको कट कर दूंगा। पंप में फिट करना है मुझे, क्योंकि जो एसवी से आउट होके पाइप आ रहा है वो पंप को इनपुट देगा। और अब मैं यहाँ पे पाइप का कनेक्ट कर रहा हूँ। अब मेरे पाइपिंग भी कंप्लीट हो गया है। अब मैं एक यहाँ पे फ्लोट और लगाऊंगा, जो वायरिंग का ही पार्ट है, मतलब इलेक्ट्रिक आइटम का ही पार्ट है, फ्लोट स्विच, ठीक है, जो ओवरफ्लो के लिए कंट्रोल करता है। मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार फ्लोट स्विच भी। अब मैं इसमें ये फ्लोट यूज़ कर रहा हूँ और ये स्विच है फ्लोट का। जेनरिक में ही है ये, बट क्वालिटी काफ़ी सुपीरियर है इसकी। इसको मैं यहाँ लगाने जा रहा हूँ, तो ये लगाते हैं इसको भी। ये मैंने फ्लोट यहाँ लगा दिया है स्विच, और अब मैं ये वायर लक्स की हेल्प से इसमें यहाँ वायरिंग लगा के फिर आपको पूरे कनेक्शन दिखाऊंगा। ये एक है RO+UV+UF+TDS कंट्रोलर है, और इसमें आपको मैं पूरी वायरिंग के कनेक्शन भी दिखा दूंगा, प्लस पाइपिंग के भी कनेक्शन इसमें कवर होंगे। इसमें देखिए तीन पॉइंट होते हैं फ्लोट स्विच में, एक ऊपर है, एक नीचे है, और ये जो है बीच वाला पॉइंट ये खाली छोड़ना है। बाकी ये रेड वायर और ब्लैक से कोई मतलब नहीं, कोई से भी कहीं भी आप लगा सकते हैं। अब मेरे पास टोटल वायर अगर हम काउंट करें तो दो वायर यहाँ हैं, दो वायर एसवी में है, दो वायर पंप में है, दो वायर यूवी में है, और दो वायर यहाँ है। तो एसएमपीएस में टोटल मिला के 10 वायरिंग है। सबसे पहला जो हमारा वायरिंग का कनेक्शन बनेगा, इसमें देख सकते हैं एक ब्लैक और उस पर वाइट वायर है, यानी पॉजिटिव वायर है। सबसे पहले जो वायरिंग कनेक्शन बनेगी एक हमारी यहाँ से लेंगे हम ये वाली न्यूट्रल कनेक्शन, यानी ब्लैक, जो पूरी ब्लैक है एसएमपीएस की, और एक वायरिंग हम यहाँ की कोई सी भी ले सकते हैं फ्लोट की। इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा। तो आइए मैं इन दोनों का एक पेयर बनाता हूँ। ये मैंने अपना पहला कनेक्शन बना लिया है, जो एक एसएमपीएस की वायर है और एक फ्लोट की वायर है। अब हमारे पास 8 वायर्स और बची हैं, और अब कुछ नहीं करना है, चार चार के दो पेयर और बनेंगे, चार चार वायरिंग के। चार कौन सी ली जाएगी मैं बताता हूँ। एसएमपीएस में एक हमारी बची है, एक एसएमपीएस की पॉजिटिव बची है, एक हम पंप की पॉजिटिव ले लेंगे, एक हम एसवी की पॉजिटिव ले लेंगे, और एक हम यूवी की पॉजिटिव ले लेंगे। एसवी, यूवी, पंप, और ये तीन आने के बाद एक हम लेंगे यहाँ से ये एसएमपीएस की पॉजिटिव। ये चारों पॉजिटिव वायरों का एक कनेक्शन बनेगा, दूसरा पेयर। तो मैं दूसरा पेयर बना रहा हूँ अब। ये मैंने दूसरा कनेक्शन बना लिया है और टेपिंग कर दी है। ये देख सकते हैं अब चार वायर आ रही है। एक एसएमपीएस की ले ली, एक यूवी चोक से रेड ले ली, एक एसवी की रेड ले ली, और एक पंप की रेड ले ली। अब मेरे पास रिमेनिंग रह गई है, एक ब्लैक कलर की वायर रह गई है पंप की, एक वाइट वायर रह गई है एसवी की यानी न्यूट्रल, एक यूवी चोक की ब्लैक रह गई है, और एक वायर हमारे पास फ्लोट की रह गई है। अब हम इन चारों का एक पेयर बनाएंगे, तो टोटल हमारे तीन पेयर बनेंगे। एक पेयर सिंगल जो शुरू में बनाया था हमने एसएमपीएस और फ्लोट स्विच का, उसके बाद हमने चार वायरों का एक पेयर बनाया था सारे पॉजिटिव टर्मिनल्स लेके। अब हम एक चार वायर का एक और पेयर बनाने वाले हैं, तो टोटल हमारी तीन सेट बनते हैं। आइए अब तीसरा सेट बनाते हैं। ये मेरा तीसरा पेयर भी बन चुका है। तो फर्स्ट पेयर हमारा ये था, सेकेंड ये रहा, थर्ड ये रहा। अब ये पूरी वायरिंग कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है हमारा। इस वायरिंग को अगर हम सिंपली बोले तो ये डीसी वायरिंग है RO+UV+UF वाटर प्योरीफायर की, और ये डीसी वायरिंग है। एक एसी वायरिंग भी होती है, एसी वाली वायरिंग हम कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक शॉक का ज़्यादा रिस्क रहता है, जिसमें हम यहाँ से कट करके आगे फ्लोट को वायरिंग देते हैं। और यहाँ पे यूवी चोक भी जो है वो एसी यूज़ होता है, ये डीसी का यूवी चोक यूज़ किया है हमने, देख सकते हैं आप 24 वोल्ट डीसी यूवी चोक। वायरिंग डायग्राम कंप्लीट हो चुका है अब हमारा इसमें। अब हमारा यहाँ पे सेडिमेंट फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, कार्बन फिल्टर, यूवी फिल्टर सब लगने के बाद अब हम आपको एक एक बाय स्टेप दिखाते हैं पाइपिंग के लिए। तो आइए सबसे पहले अब हम यहाँ से एक पाइप लेंगे, ये हमारा इन है और नीचे वाला आउट है।
ये इन है और ये आउट है, और अब हम इन वाला ऊपर रखते हैं, इस पाइप से सीधा यहाँ जाएगा और ये सेडिमेंट में जाएगा, सेडिमेंट से इनपुट होके एक पाइप SV में जाएगा, SV से फिर हमने पंप में इनपुट कर ही दिया है, और पंप से इनपुट आउटपुट जो निकलेगा वो मैं आपको आगे बताऊँगा किस में जाएगा। तो आइए हम पाइपिंग स्टार्ट करते हैं। ये मैंने सेडिमेंट फिल्टर यूज़ कर लिया है जो Xelco कंपनी का है, और अच्छी क्वालिटी का सेडिमेंट फिल्टर है। तो अब मैं इस फिल्टर को यहाँ इनपुट फिट करने जा रहा हूँ। ये पुश फिटिंग फिल्टर्स हैं, सीधा यहाँ पे हमने पुश कर दिया और यहाँ पे पुश कर दिया। ये मैंने इसमें सेडिमेंट लगा दिया है, इनपुट दिया है सेडिमेंट को, और ये यहाँ से आउट होकर सीधा SV में, और SV से जो जा रहा है ये आप देख सकते हैं पीछे पंप में लगा हुआ है। अब पंप से जो आउट पाइप आएगा उसको हम कार्बन में लगाएंगे। ये मैंने पंप से इनपुट लिया, और सॉरी पंप का आउटपुट लिया, और मैंने यहाँ कार्बन में इनपुट दे दिया है। अब यहाँ पे से जो पाइप निकलेगा उसको हम कट करेंगे दो पार्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे हमें कंट्रोलर यूज़ करना है सारो में। ये TDS कंट्रोलर है, अच्छी क्वालिटी है काफ़ी। इस कंट्रोलर में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनपुट और आउटपुट का दे नहीं है, देखिए एरो बनी हुई है। तो यहाँ से इनपुट होगा कार्बन से, और ये आउटपुट जाएगा मेम्ब्रेन के प्योर वाटर में। तो ये इसको इनपुट करते हैं, लगाते हैं हम अपना ये आउट और ये इन, TDS कंट्रोलर लगाते हैं आइए। और अब इसके अंदर हमने कार्बन भी फिट कर दिया है और TDS कंट्रोलर भी लगा दिया है। अब हाउसिंग हमने मेम्ब्रेन की लगा दी है, अब हम इसकी कनेक्शन देने जा रहे हैं। टी लगने के बाद यहाँ से एक पॉइंट जाएगा मेम्ब्रेन में और एक जाएगा यहाँ पे कंट्रोलर में। और अब इसके अंदर हमने यहाँ पर एक कैंट एल्बो की हेल्प से कंट्रोलर में और एक पाइप मेम्ब्रेन हाउसिंग में इनपुट दे दिया है। अब जो TDS कंट्रोलर का आउट है यहाँ से देख लीजिए आप, ये TDS कंट्रोलर का आउट है, यहाँ से पाइप निकलेगा और एक पाइप इसमें भी टी लग के एक पाइप जाएगा मेम्ब्रेन के प्योर में, और एक पाइप जो जाएगा हमारे UV लैंप में जाएगा। ये एक्स क्लैंप लगा दिए हैं और इसके ऊपर UV लैंप लगाया जाएगा, सॉरी UV बैरल लगाया जाएगा, और ये UV बैरल लगा दिया हमने। ये भी Xelco का है जिसके अंदर मैंने फिलिप्स का UV लैंप यूज़ किया है, और इस मॉडल में हम UF भी लगाएंगे। ये हमारा UF है और ये भी हम इसके अंदर लगाएंगे। और ये FR के बीच के लिए हमने जगह छोड़ी है, जो नीचे हमारा एक और बॉडी कनेक्टर यूज़ किया था वहाँ से इस पाइप को लिया है, और अब हमने इसमें FR यूज़ किया है, KR फ्लो ग्रीन 450 FR है ये। और ये अब कंट्रोलर से एक पाइप निकला है जिसमें हमने टी लगा दिया है, और टी लगा के ये मेम्ब्रेन का प्योर वाटर है, और ये TDS के कंट्रोलर से एक आउट आ रहा है, और अब हम यहाँ पे इस प्योर वाटर को इस टी से कनेक्ट कर देंगे, और जो एक पॉइंट रह जाएगा उसको अब हम इंसर्ट करेंगे UV बैरल में। ये यहाँ पे हमने टी लगा दी है और अब ये UV बैरल में कनेक्ट होने जा रहा है, और ये UV बैरल में हमने लगा दिया है। ये हमारा वायरिंग पाइपिंग कनेक्शन हुआ है। अब हम यहाँ से जो UV का आउटपुट आएगा उसको अब हम UF में लगाएंगे। ये हमारा UF फिल्टर है, पुश फिट है, इसमें भी पुश फिट यूज़ की जाएगी, और ये अब हम इसमें UF को लगाने जा रहे हैं। लो यहाँ ये UF लगा दिया है, और ये UV से आउट जो आ रहा है ये UF में इनपुट हो गया,
और अभी यूएफ से एक पाइप निकलेगा जो प्योर वाटर का सीधा टैंक में जाएगा। इसकी थोड़ी सी सेटिंग अब ये सही है। अब यूवी के कनेक्टर्स हम इसमें लगा देते हैं। होल्डर्स अब ये पूरा कंप्लीट रेडी हो चुका है। आरओ वायरिंग दे दी है मैंने यूवी की भी। अब हम इसको एक बार ऑन करके चेक करते हैं। ये देखिए एसएमपी इसमें लाइट ग्लो हो गई है और अगर आप देख पा रहे हैं तो यूवी भी अंदर से ये ग्लो कर रहा है। देखिए ये देख सकते हैं हमारी मशीन ऑन हो चुकी है। अब मैं इसको पैक करके एक बार आपको पूरा व्यू दिखा देता हूँ। और ये आरओ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है जिसके अंदर मैंने आपको कवर किया फ्रॉम ज़ीरो टू आरओ असेंबलिंग वायरिंग एंड एवरीथिंग। और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है ज़ेल्को। इस मॉडल का नाम है रॉकस्टार एक्स। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो इसको परचेज करने के लिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पे। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो हम पैक करते हैं अपने वीडियो को।